हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रचना पलक ब्लॉग्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, कल थी गणेश चतुर्थी और कल गणेश जी की स्थापना होती है सभी जगह। अपने अपने घर में सभी लोग गणेश जी बैठाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर बैठते, कुछ लोग नहीं बैठाते हैं। और हर जगह भी, तो आप कहीं भी देखोगे, हर गली हर चौराहे पर आप लोगों को गणेश जी बैठे हुए मिलेंगे। गणेश जी की स्थापना हो जाती है तो अभी 10 दिन बहुत धूमधाम रहेगी। एंड मैंने भी गणेश जी बैठाए हुए हैं। सो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। और कल क्या हुआ कि मैंने जब मैं तीज व्रत था मेरा, ठीक है, तो जब मैं वहाँ सुबह वहाँ से रात में पूजा करके पूरी रात जागती है, सुबह जब मैं वहाँ से आई तो मैंने खाना वगैरह बनाया और नहा के पूजा पाठ करी, फिर खाना बनाया। खाना बनाती और मैं तो रात भर से लगी हुई थी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। तो दिन भर सोती रही, फिर दोपहर, मतलब दिन भर नहीं, 4-5 घंटे सो लिया मैंने। तो फिर मैं दोपहर को जब उठी तो फिर ये भी थे, ये भी आ गए थे ड्यूटी से। तो इन्होंने मुझे बोला कि गणेश जी बैठाना है, चलो लेने चलते हैं गणेश जी को। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर तो इतने के बीच में मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया कि हम लोग कैसे गणेश पप्पा को लेके आए और इसके बाद में कैसे स्थापना की, कहाँ बिठाया, कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। और आज मैं अभी बनाने लगी थी अपने पप्पा जी के लिए मगध के लड्डू। तो मैंने कहा वही सब बना रही थी, फ्री थी क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं और सब, ऐसे में थोड़ा सा काम कर रही थी। और मैंने अभी तक कोई मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया है और मैं अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ, तो मैं रियल में जैसी हूँ वैसी ही आऊँगी आप लोगों के सामने। तो मैं चाहती हूँ कोई मेकअप वेकअप अभी फिलहाल ना करूँ। कभी कभार मेकअप करती हूँ तो अच्छा लगता है, डेली मेकअप करते रहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने पप्पा जी को कहाँ बिठाया है और अभी मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ मगध के लड्डू। तो रेसिपी में थोड़ी थोड़ी सी शेयर करूँगी, थोड़ी अच्छे से शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, काफ़ी दिन पहले टूट गया, तब से मैंने लिया भी नहीं क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रहती हूँ यूट्यूब पर, इसलिए तो टाइम नहीं रहता, मैं इसलिए रह नहीं पाती हूँ कंटिन्यू। तो चलिए आप लोगों को मैं पप्पा दिखाती हूँ और आप लोग किस किस ने बैठाए हैं अपने घर पर गणपति बप्पा, आप लोग कमेंट करके बताना। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना एक ही रूम है तो इस वजह से जगह थोड़ी सी कम है। तो मैंने ना यहाँ पे पप्पा को बिठाया हुआ है और थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पप्पा जी को बिठाया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये जो मेरे पास ना पुराने रखे हुए थे फ़ोटो वगैरह, सॉरी, ये गुलदस्ते और ये सब, तो मैंने इसी से डेकोरेट कर लिया है। और ये सीरीज वगैरह, ये देखो अभी गिर गई है तो मैं इसको अभी उठा के सही से कर दूँगी, तो ना क्योंकि ऊपर गिर गई है पप्पा के। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे घर में गणेश जी बैठे हुए हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोग बताना कमेंट करके किस किस ने बिठाए हैं पप्पा को। और ये देखिए वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बच्चे ना बहुत खुश हैं क्योंकि सुबह शाम पूजा होती है, आरती होती है बहुत, और इतना डांस वगैरह करते हैं बच्चे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है और कुछ ज़्यादा वो नहीं करा है, बस जो हमारे पास है मैंने वही सब किया है। तो ये मेरी पूजा की थाली है और ये हमेशा यहीं रहेगी अभी जब तक पप्पा जी बैठे, नहीं तो फिर मंदिर में रहती है मेरे यहाँ पर। तो अभी मैं जा रही हूँ मगध के लड्डू बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने देखिए बेसन को ना अच्छे से गूंथ के रख लिया, इसकी बनाऊंगी मैं पूड़ी। फिर जो पूड़ी बनती है ना बेसन की, उसी को मेड़ के अच्छे से मसल के और फिर मिक्सी में से पीस लूँगी और उसी के बनाऊंगी मगध के लड्डू। तो इस तरीके से किस किस के यहाँ बनते हैं आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है और यहाँ पर कहीं भी रखने के लिए जगह नहीं है, मोबाइल कहाँ रखें। देखो मैं आप गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह हो गई है एंड मैं रेडी हो गई हूँ सारा काम करके। पूजा भी कर ली है मैंने गणेश पप्पा जी की और सारा काम हो गया है मेरा। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई
क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं वीडियो स्टार्ट तो कर देती हूँ लेकिन कंटिन्यू कभी नहीं रख पाती हूँ। सो मैंने कहा चलो मैं वीडियो का कर देती हूँ एंड। अभी फिलहाल मैं बैठी थी तो बस मैंने कहा क्या करूँ, कुछ आज मेरे पास कोई काम नहीं है मैं सही बताऊँ तो पूजा पाठ करके मैं फ्री बैठी हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये वीडियो भी गए हैं, तो मैंने कहा मैं अपना वीडियो ना एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? और कल मैंने लड्डू बना के रखे और बच्चों ने इतनी मस्ती करी ना, उनको जितनी बार देख रहे थे ना वो, मुझे तो बस लड्डू चाहिए। आज उसको टिफिन में भी रखना पड़ा है, बहुत बेकार है। तो फिलहाल बस मैं बैठी हूँ रेडी होके, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।